बात करेंगे पेटीएम शेयर के बारे में, जिसको 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे से भी जाना जाता है। इसके हम कल के टारगेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस स्टॉक में अगर आज अपन देखें तो इसने अपने सपोर्ट लेवल को, जो इसका बहुत ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट था, उसको ब्रेक कर दिया है। अगर आप प्रीवियस टर्म के हिसाब से भी देखें तो यही सेम सपोर्ट लेवल कई जगह पर इस स्टॉक ने अपना बनाया था एंड अपसाइड ट्रेंड दिखाया था। देखिए, कल के दिन अगर हमें इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, जो कि 703 है, 703 के ऊपर ओपनिंग मिलती है तो स्टॉक में हमें एक अपसाइड ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि करीब करीब दोबारा से 725 के लेवल्स को अचीव करेगा। बट अगर स्टॉक में डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखता है तो वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है, बट अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, वैसे तो रेड कैंडल फॉर्म कर चुका है, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही ओपनिंग इसको करनी होगी कल के दिन। तो स्टॉक में बनी रहेगी हमारी नज़र। देखिए, बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी बनाए तो अभी ना बनाए, बिकॉज स्टॉक में गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं बनती अभी, बट कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर लगता है स्टॉक अच्छा है, और मेरे ख्याल से तो स्टॉक में ठीक ठाक अब पोटेंशियल दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्टॉक में बने रहने की राय रहेगी फॉर द लॉन्ग टर्म। बट शॉर्ट टर्म के लिए इन चीज़ों का रखें ध्यान।